नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्शन एंड एसोसिएशन गिव इंडिया हेलो के सहयोग से जल जंगल जमीन बचाओ साझा मंच रूणी प्रथा पारंपरिक ग्राम गणराज्य सभा के तत्वाधान में खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से दुरस्त वनांचल ग्राम के निवासरत ग्रामीण जनों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ा है, जहाँ सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, न ही किसी जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान है। ऐसे में जल जंगल जमीन बचाओ साझा मंच रूणी प्रथा पारंपरिक ग्राम गणराज्य ग्राम सभा और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेहर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दर्जनों ग्रामों में निवासरत सैकड़ों आदिवासी बेगा जनजाति के लोगों को खाद्यान्न सामग्री बांटी गई, जिसमें चावल, आटा, दाल, नमक, मिर्च, हल्दी, दूध पाउडर, साबुन, हैंड वॉश, धनिया, शक्कर, चाय पत्ती शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। उनका हम लोग माध्यम है। कौन कौन? आपका जो है पत्रकार संघ IND 24 और श्रमजीवी पत्रकार संघ और हमारे जल जंगल जमीन बचाओ आंदोलन और रूढ़ी प्रथा पारंपरिक गांव वाला, ये एक सामाजिक संगठन और पत्रकार संगठन के माध्यम से दिया जा रहा है। ये शासन से नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचे कि शिवराज सिंह चौहान ने या नरेंद्र मोदी ने दिया, ऐसा ना सोचिए। अभी तक जो है विधायक सांसद या अध्यक्ष आए ऐसा कुछ मदद के लिए आप लोगों के बीच आए क्या? तो ये सामाजिक संगठन के माध्यम से दिया जा रहा है। की गाड़ी तो अभी आप अपना नाम बताएं। मधु सेंद्रे। ये जो ये मुहिम जो चला रहे हैं आप खाद्य सामग्री वितरण की, कैसे आपके अंदर ये चीज़ें आई और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिनके द्वारा ऐसा कोई भी एक्टिविटीज समझ में नहीं आई, दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से अपन ने ऐसा सोचा और हमें जो बाहर से जो सहयोग मिला है जिसके चलते हम लोग यहाँ खाद्यान्न वितरण कर पा रहे हैं। और इस वितरण में समस्त पत्रकार संघ और मीडिया टीम